Ang talaga Uma, 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 हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द फाइनल फैक्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं योयो हनी सिंह, टोनी कक्कड़ और नेहा कक्कड़ के न्यू सॉन्ग कांटा लगा के बारे में। और मेनली इस गाने के कुछ ऐसे पॉइंट्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं जिनके ऊपर शायद आप लोग भी मुझसे एग्री करोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, पॉइंट नंबर वन। तो भाई, सोचने वाली बात है कि योयो हनी सिंह को ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी, मतलब ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि उनको इस गाने के अंदर काम करना पड़ा। जब उन्होंने इस गाने के लिरिक्स देखे होंगे तो फिर उसके बाद उन्होंने इस गाने के लिए कैसे हाँ कर दिया यार। मुझे नहीं लगता कि योयो हनी सिंह के किसी भी फैन ने ये एक्सपेक्ट किया होगा कि योयो हनी सिंह ऐसे लिरिक्स वाले गाने के अंदर भी काम करेंगे। I mean, अगर ऐसा पॉसिबल हो कि आज से कुछ समय पास्ट में जा सके, तो अगर योयो हनी सिंह ने जब देसी कलाकार जैसी एल्बम रिलीज की थी, उस टाइम पर अगर योयो हनी सिंह को दिखाया जाता कि आप 2021 में ऐसे गानों में काम करेंगे, तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि योयो हनी सिंह उसके ऊपर क्या रिएक्ट करते। बट आज उनको इस गाने में देखना पड़ा। मुझे नहीं लगता कि योयो हनी सिंह को इस गाने में आना चाहिए था। भले ही वो टोनी कक्कड़ और नेहा कक्कड़ के साथ काम करे, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है और उनकी जो ब्रांड वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग ऐसे लिरिक्स वाले गाने में उनको बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। पॉइंट नंबर टू। बोलने को तो ये एक पार्टी सॉन्ग है, बट इस गाने को शूट करने के लिए जो लोकेशन चूज की गई, उसको देख के लगता नहीं कि ये कोई पार्टी सॉन्ग है। I mean, इस गाने के बैकग्राउंड में अगर हम हॉरर साउंड इफेक्ट ऐड कर दें तो वो ज्यादा शूट करेंगे बजाय इस गाने के। पॉइंट नंबर थ्री। इस गाने में फैशन के नाम पर कुछ भी दिखा दिया गया। अभी आप लोग टोनी कक्कड़ के इस सीन को देखो। I mean, इस आउटफिट को देख के आपको कहीं से भी लगता है कि ये कोई फैशन है, मतलब कुछ भी। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सीन हैं जिसके अंदर फैशन के नाम पर बिल्कुल हक दिया गया। पॉइंट नंबर फोर। अगर बात की जाए इस गाने के अंदर क्या क्या मिस्टेक्स है, तो इस गाने में जो योयो हनी सिंह का पार्ट है, मतलब जो रैप वर्स, उसके अलावा पूरा गाना ही मिस्टेक है। I mean, योयो हनी सिंह ने इस गाने को जो 20 से 30 सेकंड गाया था, उसके अलावा इस गाने में कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है। सो गाइज, इस गाने में मैंने जो कुछ भी बोला है वो सारे मेरे ओपिनियन है। हो सकता है कि आपके कुछ अलग हो, लेकिन आपके भी जो भी ओपिनियन हो, नीचे कमेंट सेक्शन में यार कमेंट कर देना। मैं जरूर इस वीडियो के सारे कमेंट्स पढ़ूंगा। एंड इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना।